सो हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के न्यू राइटिंग ट्यूटोरियल के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम करने वाले प्रोग्रामिंग DMX 512 की, जिसमें 12 पायलट यूज की गई है। आज के फ्रेंड्स इस वीडियो हम प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, उसके अलावा इस DMX के अंदर हम प्रोग्रामिंग डिलीट कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमने जिया के इस वाले DMX के ऊपर भी बात की थी कि कैसे प्रोग्रामिंग बनाना है। इसके डिलीट का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारे इस DMX का जो डिलीट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अलग है, क्योंकि इस DMX के डिस्प्ले के ऊपर कहीं पर भी हमें डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ डिलीट या, लेकिन इस वाले DMX पर हमें डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग बनाने हैं और उसके डिलीट हम कैसे करना है, आज हम प्रोग्रामिंग जरा हट के बनाने वाले हैं, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपने आज तक शायद तक नहीं देखी होगी। इसके अंदर 12 की जगह ज़्यादा पार्लर देते हैं तो भी आप बना सकते हैं, या फिर आप कम होते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हमारे ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, क्योंकि हम ऐसे लाइटिंग के लिए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अब वीडियो हमारे ये शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हमारे इस DMX के अंदर एक प्रोग्रामिंग बनाई हुई है और अभी पूरा बंद है। हम इसको प्रॉपरली तरीके से सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ बताएंगे आपको समझ में ना आए। वीडियो थोड़ा लंबा होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है इसको ऑन करने का। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं हमारी प्रोग्रामिंग बनाई हुई है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेस एक सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ऑटो और यहाँ से ऊपर करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारी पायलट है वो चल रही है, इसका मतलब इसके अंदर एक पायलट की प्रोग्रामिंग बनाई हुई है। फिर मैं सेस दो ले रहा हूँ तो अभी कुछ फर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एम्प्टी है, सिर्फ एक सेस के अंदर ही बनाई हुई है। तो हम इसको अब कर लेंगे बंद। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं सीधे हमारे प्रोग्राम मोड के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से प्रेस करके रखूँगा, तो यहाँ आप देख सकते हो इसके सामने, इसके प्रोग्रामिंग के जस्ट सामने इसकी LED आपको ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आएगी, यानी कि अभी हमारे प्रोग्रामिंग मोड के अंदर आ गया है। अब हमारा ब्लैंक एक है वो चेक करें, तो इसके अंदर अभी MPT है। तो यहाँ से मेरे ब्लैंक दो लेकर देखता हूँ, तो इसके अंदर हमारी प्रोग्रामिंग एड है। तो अब मैं यहाँ से सीधा ब्लैंक है वो 3 दे लेता हूँ। अब हमने प्रोग्राम मोड के अंदर थे और ब्लैंक मैंने 3 सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से हमने एक नंबर और 7 नंबर पार्लर सेलेक्ट करा है और उसके अंदर ग्रीन कलर है वो दे दिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे मिडी ऐड और एक नंबर, ये ब्लैंक हो गया, इसका मतलब ऐड हो गए। उसके बाद हम इस दोनों को बंद और इन दोनों को शुरू करेंगे और ग्रीन कलर दे देंगे। इसको हम मिडी ऐड 2 पर करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों को 2, 3 और 9 को सिलेक्ट करेंगे, सेम कलर दिया, मिडी ऐड 3 नंबर, इसको भी बंद करेंगे। और फिर हम 4 और 10 को सिलेक्ट करेंगे, सेम कलर दिया और मिडी ऐड और 4 नंबर। अब भूल जाए ना आप, अब मुझे 4 नंबर दबाना कैसे पता चला, क्योंकि मैं भूल गया मान लीजिए। तो यहाँ स्टेप देखिए 3 ही है, अब मैं ये 4 दबाऊंगा, मतलब 4 स्टेप हमने सेव कर दिए। उसके बाद मुझे 5 और 11 दबाने हैं, कलर सेम लेना है, मिडी ऐड, और अब मुझे दबाना है 5, ठीक है। उसके बाद हमने 6 और 11 की प्रेस और इसको ब्राइटनेस दे दिया, और ये हम ऐड करेंगे
सीधा का सीधा मीडी ऐड और हमें शेयर पर ऐड कर देंगे। ये हमने इस पर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से प्रोग्राम मोड से एक बार बाहर आ जाएंगे। जैसे अभी प्रोग्राम मोड के अंदर ही हैं तो अभी यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर ये अभी ऊपर वाली ब्लैंकिंग ब्लैकआउट की ब्लिंकिंग करे तो यहाँ से ब्लैकआउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब हम प्रोग्राम को ऐड करना है तो यहाँ से हम सीधा का सीधा अब चेस बनाएंगे। सेस बनाने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम वाला बटन दबाया। अब हमारा एक में सेस बनाया हुआ है ऑलरेडी तो अब हम दो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हो सेस दो स्केच 101 है तो यहाँ से हमको लेना है 103 क्योंकि हमने इसके अंदर ब्लैंक में बनाया है 103 ब्लैंक में बनाया तो इसी के ब्लैंक को लेंगे। अब हमें 103 के अंदर से ऐड करना है सेस दो के अंदर। अब क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले ये ऐड करना है। एक नंबर प्रेस किया मीडी ऐड, दो नंबर प्रेस किया मीडी ऐड, तीन नंबर प्रेस किया मीडी ऐड, चार नंबर प्रेस किया मीडी ऐड, पांच नंबर प्रेस किया मीडी ऐड, छह नंबर प्रेस किया मीडी ऐड। ओके, उसके बाद हम इसको वापस से पांच नंबर को प्रेस करेंगे मीडी ऐड, चार नंबर को प्रेस करेंगे मीडी ऐड, तीन नंबर को प्रेस करेंगे मीडी ऐड, दो नंबर को प्रेस करेंगे मीडी ऐड और एक नंबर को प्रेस करेंगे मीडी ऐड। तो ये हमने कर दिया है। अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी ये कि हमको एक नंबर को वापस से कॉपी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पार्लर थोड़ी रुकेगी उसके बाद रन करेगी तो अभी हमारा हो गया। यहाँ से अब इसको कर देते क्लोज ब्लैकआउट। उसके बाद हम इनको कर देंगे बंद। उसके बाद हम सीधे के सीधे सेलेक्ट करेंगे ऑटो और ऊपर सबसे पहले सेस चल रहा है, चलते हुए प्रोग्राम चेंज करने है दो पर दबाए। अब दोनों चलेंगे देख सकते हो। जैसे मुझे एक ही चलाना है तो मैं एक को बंद कर दूंगा। अब आप देख सकते हो थोड़ी सी मेरी इस वक्त पार्लाइट पर रुक रही है। क्यों रुक रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट में इसको डबल कॉपी कर दिया था इसके कारण इससे रुक रही है। तो ये अभी देख सकते हो सिंपल स्टाइल के अंदर हमने ये प्रोग्रामिंग सीखी है। अभी हम इसके अंदर और भी प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं। इस डीएमएक्स की यही खासियत है कि आप इसके अंदर ये सारे चेस एक साथ में चला सकते हो जो सबसे बेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फ्लैशर वाला ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये इसको एक बार बंद कर लेते हैं। हो गई सब बंद। अब हमें एक फ्लैशर वाली ऐड करनी है जो हम सेस तीन पर रखेंगे। तो सबसे पहले वापस प्रोग्राम मोड को प्रेस करके रखा, अभी चल रही है। अब हम इसके अंदर एक ऐड करेंगे जो हम ब्लैंक चूज करेंगे। वन हम थ्री की जगह, चलो एक बार थ्री चेक कर लेते हैं। चलो ये थ्री के अंदर हमने ये बुला दी, ठीक है। तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे फोर, ठीक है, फोर एम्प्टी है हमारी। अब हम सबसे पहले इसके अंदर सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम मिक्स कलर लेंगे, ये हो गया फुल वाइट। फुल वाइट के अंदर फ्लैशिंग देंगे। अब इसके अंदर फ्लैशर कैसे देना है, अभी हम इस फेडर को उठाएंगे। यहाँ काउंटिंग देख सकते हो, मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये आप काउंटिंग यहाँ देख सकते हो, एक सौ चार दिखाई दे। अब ये देखो 15, 16, 17 गिनती जा रही है। इसको आपको 30 क्रॉस करानी है, 30 और 35 के बीच रखनी है। ये देखो हमने अभी रखा 32, अब ये फ्लैश मार रही है। अब इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से ये इसकी स्पीड बढ़ गई। अब आप देख सकते हो इसकी काफ़ी शानदार फ्लैशिंग मार रही है। इसको हम मीडी एड और एक नंबर पर रहेंगे। उसके बाद हम इसको कर लिया बंद।
ठीक है, हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसकी चेंज करेंगे, जैसे फ्लैशर हो गया, अब वही फ्लैशर हमें थोड़ा धीरे चाहिए। ये हो गया, तो हम एक रेड में लेंगे सर फ्लैशर। ये हो गया रेड का, मेडी एड दो, ग्रीन में मेडी एड तीन, और अब लगातार ब्लू भी ले लेते हैं, मेडी एड फोर। ये हो गए, अभी आप देख सकते हो कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हो रहा है इसका फ्लैश, इसलिए आपको थोड़ा इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, और अब यहाँ से डायरेक्टली हम चले जाते हैं अपने, एक बार बाहर चले जाते हैं, तो इसको प्रेस करके रखा और ब्लैकआउट कर गए। अब वापस से हमें चेस बनाना है तीन पर, तो यहाँ से प्रोग्राम को प्रेस करके रखा, अब चेस सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से तीन सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा ब्लैंक है वो है फोर, फोर ब्लैंक भी बनाया था, अभी देखेंगे, मैं भी भूल गया इतना जल्दी। चलिए अभी इसको चेक करते हैं, एक ये देखो आ गया फ्लैशर, तो हम इसको पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले करेंगे फोर्थ को, मिडी ऐड थ्री, मिडी ऐड टू, मिडी ऐड और वन, मिडी ऐड, ये हमारा फ्लैशर हो गया ऐड। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे, ब्लैकआउट, ठीक है, ये हमारा फ्लैशर हो गया। अब वापस हम इसको ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम एक को सिलेक्ट किया, ऑटो हेड ऊपर, एक दो को लिया, उसके बाद हम लेंगे यहाँ से तीन, अब मैं यहां से एक को हटा देता हूं, अब आप देखो यही, मैं इसकी थोड़ी स्पीड को कम कर दूं, अब आप देख सकते हो काफी शानदार लुक आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इसकी प्रोग्रामिंग नए स्टाइल से, आपको भी पसंद आई होगी, काफ़ी मज़ेदार थी, और ये मैंने जल्दी जल्दी बनाई, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी जैसे दिमाग में आया वैसे बना दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।